अब डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो टोटल 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाऊंगा। पहला टाइप है शॉर्टकट, पहला ही शॉर्टकट है और शॉर्टकट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और कैसे शॉर्टकट लगा वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो टाइप 1 इज बेसिकली शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको क्या बोलेंगे ना, इस तरह का मतलब ये वैल्यू आपको गिवन होगी, दिस वैल्यू इज गिवन, दिस वैल्यू इज गिवन, आपको बोलेंगे xi माइनस p का होल स्क्वायर और फिर ये भी लिख देंगे कि p इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो मतलब इस तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको पता है पूछा क्या है, पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ता है कि आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से p को माइनस करो या ना करो, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम ही रहेगा ना। प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है कि पी को इग्नोर करो। मतलब मान के चलो कि पी यहाँ पे है ही नहीं, है ना, मान के चलो इसका शॉर्टकट मेथड यही है कि पी को इग्नोर करो। पी को इग्नोर करोगे तो मतलब इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 9 और ये सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई का वैल्यू आपको गिवन है 3 और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा जो भी फॉर्मूला होता है वो लगा लो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, बस ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, डायरेक्टली आपका शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू 9 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, आई का वैल्यू 1 से 10 जा रहा है, अगर 1 से 10 जा रहा है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, ठीक है। और सिग्मा एक्स आई कितना है, तो सिग्मा एक्स आई 3 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 9, तो 81 आ जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 81 अपॉन 100, मतलब 9/10 आ गया बस। तो दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। तो ये शॉर्टकट